बोला कि तुम भूखी नहीं मरोगी। मैं वही लिखता हूँ जो जानता हूँ, जो देखता हूँ। आखिर में अफसाने ही रह जाते हैं। कीजिए टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन जॉइनफिल्म्स यूट्यूब चैनल की हेल्प से। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सीखिए कि कैसे बॉलीवुड में एंट्री करते हैं। जॉइनफिल्म्स यूट्यूब चैनल उनके लिए जिनका कोई गॉडफादर नहीं। इंडियन लिटरेचर हमारे देश में सिर्फ हिंदी भाषा नहीं है या कितनी सारी, 24 मेन भाषा और डायलैक्ट्स तो और भी ज़्यादा, और हमें एक दूसरे का लिटरेचर भी नहीं पता। हम बाहर के नॉवेल्स पढ़ते हैं, बाहर का लिटरेचर पढ़ते हैं, और अपने ही देश में बंगला में क्या लिखा है, कन्नड़ा में क्या लिखा है, मराठी में क्या है, तमिल में क्या है, गुजराती में क्या है, यही नहीं मालूम। तो कम से कम इंग्लिश ट्रांसलेशन इसके जब अच्छे से होंगे तो यंग जनरेशन, हम जैसे लोग भी, हम भी इसमें मतलब मुजरिम है एक तरह से, क्योंकि हम लोग भी लोकल लैंग्वेजेस में इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादातर अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़े हुए हैं तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, तो कम से कम हमें जानने को तो मिलेगा। मंटो भी बहुत एक सुविख्यात राइटर हैं, लेकिन जब हम मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं या मंटो की बात करते हैं, जो हमारे लिए इतने ग्रेट राइटर्स हैं, आप सड़क पर चले जाइए, बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि हमारे खुद के राइटर्स को हमने इतना सेलिब्रेट नहीं किया, उनको हमने अनफॉर्चुनेटली ट्रांसलेट भी कम हुए हैं। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये फिल्म, छोटी सी मेरी एक अटेम्प्ट है कि मैं कम से कम मंटो को अपने बाहर वालों को सिर्फ नहीं पर हमारे देशवासियों को भी बता सकती हूँ कि उनकी कहानियाँ आज भी कितनी रेलेवेंट हैं। वो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, आज भी मुझे लोग बोलते हैं अरे मैं मंटो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी मैंने सारी कविताएं पढ़ी हैं, सारी नज़में पढ़ी हैं। तो मैं कहती हूँ उन्होंने कोई कविता कोई नज़म नहीं लिखी थी, उनको लगता है उर्दू में लिखा तो शायद बड़े शायर थे। तो हमें बहुत कम पता है हमारे अपने राइटर्स के बारे में, तो होपफुली इस फिल्म के ज़रिए लोगों को मंटो की राइटिंग और मंटो के बारे में और पता भी चलेगा। थैंक यू। कैसी लगी स्क्रिप्ट? एकदम बकवास। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।